हेलो एवरीवन, नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप सब अभी सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, खुश होगे। तो एक सवाल आया था जिसमें जैसे कहा गया था कि आपके बिजनेस में आप काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि आप खुद ही आपका जो नेचर जो है इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा है, राहु ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती है, दिमाग काम नहीं करता है, कहीं पे भी आप फालतू की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पैसे को लेके दिक्कत आती दिखाई देती दे रही है। सोशल नेटवर्किंग पे तो सोशल नेटवर्किंग नहीं चलता है, कहीं ना कहीं एक अभी जैसे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क पे काम किया जाता है, ऐप के द्वारा, एक जैसे कि इंटरनेट के द्वारा काम किया जाता है, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं चलता। कहीं ना कहीं आपका राहु खराब होना, इलेक्ट्रिक आइटम खराब होना, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप फेस करते हैं, जैसे कि आप काम जितना भी अच्छे तरीके से करना चाहते काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, कोई ना कोई आके आपको इमोशनली हर्ट करके चला जाता है, परेशान कर देता है। तो करना क्या है ऐसे टाइम पे, आपने करना क्या है? जैसे कि आप काम करना चाहते हैं, मन तो है आपका काम करने का, पर कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उलझन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, माइंड आपका स्टेबल नहीं रहता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो क्या करना चाहिए इस समय आपने, जैसे कि क्या करना चाहिए, ऐसे आपने जो है एक उपाय जो है मैं आपको जो बताऊँगी, जो काफ़ी अच्छा सा जो है आपके लिए कारगर रहेगा। तो आपने क्या करना है कि आप चांदी की कटोरी लेने, चांदी की कटोरी में जो है एक हाथी जो है जिसकी सोंड जो है जो नीचे की तरफ होनी चाहिए, जैसे खेलते हुए पानी में जो है उनकी सोंड होनी चाहिए ऊपर की तरफ नहीं, ऐसा आपने जो है हाथी जो है लेके आना है, एक हाथी लेके आना है, ठीक है। अपने जो भी आप ऑफिस है आपका, जो भी आपका टेबल है, काउंटर है, जो भी जहाँ पे आपका शॉप होगा वहाँ पे काउंटर है, तो वहाँ पे अपने वो कटोरी में पानी डाल देना है। पानी इतना डालना है कि जैसे कि वो हाथी जो है खेल पाए, ठीक है, मतलब नाक की तरफ इतना पानी डाल देना है कि हाथी खेल पाए, पानी में जो है अपनी सूंड जो है हिला पाए, ऐसे करके चीज़ें जो है आपने कर लेनी। देखना कुछ दिनों के बाद आप अपने इमोशन लेवल पर जहाँ भी रहेगी अपनी इमोशन लेवल जो है ख़त्म हो जाएंगी, आप प्रैक्टिकल होकर काम कर पाएंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग हो जाएंगी, आपके सोशल नेटवर्क भी काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा, और आपकी जो भी दिक्कतें, जो भी फाइनेंस को लेकर जो भी परेशानी आ रही थी वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा ये टिप्स आपको कैसे लगा और कैसे कितना आपको जो है लाभकारी रहा। एंड ऐसे ही कुछ न्यू टिप्स के साथ मैं मिलती रहूँगी एंड न्यू वीडियोज़ के साथ मिलती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। नमस्कार।